ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोगी इसके तीन भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। भाग तीन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया अधिगमकर्ता का विकास। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस भाग को देख सकते हैं। आज भाग चार के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं शिक्षण अधिगम का। ध्यान देना, शिक्षण अधिगम इस बिंदु को हम पढ़ेंगे, ये चौथा बिंदु है। इसके कुल छह बिंदुओं में से दो का हम अध्ययन कर चुके हैं, आज इस तीसरे बिंदु का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा आज का बिंदु है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण मल्टी च्वाइस क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो आज का पहला प्रश्न है, अधिगम के प्रयत्न व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ई एल थॉर्नडाइक ने, बे आई पी पावलोव ने, से सी एल हल ने, द बी एफ स्किनर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ए ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? थॉर्नडाइक का, बे क्रनबेक का, से स्किनर का, द वुडवर्थ का। तो सही उत्तर होगा वुडवर्थ द। अधिगम की विशेषता है ए अनुभवों का संगठन, बे व्यक्तिगत व सामाजिक, से वातावरण की उपज, द उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, अर्थात अधिगम अनुभवों का संगठन भी है, व्यक्तिगत व सामाजिक भी है, वातावरण की उपज है, अर्थात ये तीनों अधिगम के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च कक्षाओं में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग हो कि छात्र का अधिगम तीव्र गति से संपन्न हो सके? ए खेल से, ब पूर्ण सामूहिक व सहसंबंध के द्वारा, स डॉल्टन के द्वारा, द मोंटेसरी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ब पूर्ण सामूहिक व कोरिलेशन के माध्यम से। यदि कक्षा में शिक्षण हो तो इससे अधिगम अधिक तीव्र होगा। बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व पृथक रूप से भिन्न प्रभाव डालते हैं, तात्विक रूप से, असामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा श, सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न है, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है सार्वभौमिकता, निरंतरता, ए व ब दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए व ब दोनों। अनुकूल दशा होने पर अधिगम की क्रिया हो जाती है ए समान रूप से, ब सबल व प्रभावयुक्त, स निर्बल, द निश्चित। तो इसका सही उत्तर होगा ब सबल व प्रभावयुक्त। अगला प्रश्न है, ई एल थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश से संबंधित है? ए रूस से, ब जापान से, स चीन से, द अमेरिका से। तो इसका सही उत्तर होगा द अमेरिका से। अगला प्रश्न है, स्मृति का स्थान मस्तिष्क से नहीं अपितु शरीर के अवयवों में है, यह कारण है कि हम करके ही सीख सकते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर मेश का, कॉलसेनिक का, रोश का, जेम्स का। तो इसका सही उत्तर होगा ए डॉक्टर मेश का। अगला प्रश्न है, अधिगम को कहा जा सकता है ए सक्रिय, ब निष्क्रिय, स रुकी हुई क्रिया, द कह नहीं सकते। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है, यह कथन किसका है? ह्यूम का, योकम सिंपसन का, बर्कले का अथवा देकार्ते का। तो इसका सही उत्तर होगा योकम व सिंपसन का। अगला प्रश्न है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है समय व थकान,
वे पुस्तक, स कार्य, द भाव। तो इसका सही उत्तर होगा है समय व थकान सीखने क्रिया को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, अपितु एक दूसरे से अवच्छिन्न रूप से संबंध है और एक दूसरे पर निर्भर है। यह कथन किसका है? ए कोलशेनिक का, बे स्किनर का, से वॉटसन का, द जेम्स का। तो इसका सही उत्तर होगा ए कोलशेनिक का। अगला प्रश्न है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पाई जाती है, ए केवल बच्चों में, बे केवल वयस्कों में, से सभी प्राणियों में, द इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है से सभी प्राणियों में सीखने की क्रिया पाई जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के प्रकार हैं, ए बौद्धिक अधिगम, बे प्रतिबोधात्मक अधिगम, से संकल्पात्मक अधिगम, द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में बौद्धिक अधिगम भी है, प्रतिबोधात्मक अधिगम भी है और संकलात्मक अधिगम भी होता है। अगला प्रश्न, अधिगम की प्रभावशाली विधि कौन सी है? करके सीखना, बे निरीक्षण करके सीखना, से वाद विवाद करके सीखना, द उपर्युक्त सभी, अर्थात ये सभी होंगे। सही उत्तर है द, अर्थात करके भी सीखा जाता है, निरीक्षण करके भी और वाद विवाद के द्वारा। थोरनडाइक के सीखने के मुख्य नियम में से नहीं है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी, अर्थात ये सभी के सभी थोरनडाइक के सीखने के नियमों के अंतर्गत आते हैं। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, यह किस नियम से संबंधित है? ए तत्परता का नियम, बे निकटता का नियम, से आत्मनिकरण का नियम, द उपयोग का नियम। सही उत्तर होगा ए, यह तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? भाटिया का, बे थोरनडाइक का, से डगलस का, दे लॉक का। सही उत्तर होगा बे थोरनडाइक का। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपत परत निशान। यह कथन उक्ति जो रहीम दास जी ने लिखी है, ये किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से साम्यता रखती है? तो इसमें प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या उद्देश्य के नियम? तो इसका सही उत्तर होगा स अभ्यास का नियम। गणित व विज्ञान जैसे गंभीर विषयों को सीखने में उपयोगी जो सिद्धांत है, उपयोगी सिद्धांत कौन से हो सकते हैं? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है वह प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। 20वीं सदी में अमेरिकी शिक्षा पर किस सिद्धांत का प्रभाव पड़ा? ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बे सूझ का सिद्धांत, स प्रबलन का सिद्धांत, द प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत की निम्न विशेषता है, ए उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को बताता है, बे शिक्षण में प्रेरणा देता है, स इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है, द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा द, अर्थात उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत की ये सभी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ए आसिंग क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, स उपयोग का नियम, द मनोवृत्ति का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ए आसिंक क्रिया का नियम। अगला प्रश्न है, प्रयत्न व भूल अधिगम सिद्धांत है किस नियम पर आधारित? ए मनोवृत्ति का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा बे बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति का किसी कार्य को करने का उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, उतना ही अधिक उसमें उस कार्य को करने की तत्परता होती है।
यह कथन किसका है? ए रायबर्न का, वोटसन का, हॉलैंड का या फिर डगलस का? तो सही उत्तर होगा ए रायबर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या शूज का सिद्धांत? इसका सही उत्तर होगा ब, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध सहज क्रिया आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर रहता है, यह मत किसका है? ए स्किनर का, ब वॉटसन का, स थोरनडाइक का, द पावलाव का? तो इसका सही उत्तर होगा ए स्किनर का। थोरनडाइक का सीखने का सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? ए संबंधवाद, ब प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, स उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, द उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी, अर्थात थोरनडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है इसको इन सभी नामों से भी पुकारा जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत का दोष है ए सीखने की क्रिया को यांत्रिक बनाता है, व्यर्थ प्रयत्नों पर बल देता है, स सीखने का कारण नहीं बताता, द उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी। प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? ए आवश्यकता की पूर्ति, ब आवश्यकता ही नहीं, स कार्य की क्षमता, द मानसिक योग्यता? तो इसका सही उत्तर होगा ए आवश्यकता की पूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद का मूल विचार किसने प्रस्तुत किया? ए मैक्स वर्दाइमर ने, ब सी एल हल ने, स हेगर्टी ने, द वॉटसन ने? तो इसका सही उत्तर है मैक्स वर्दाइमर। व्यक्ति अपनी पूर्ण संपूर्ण स्थिति को मानसिक शक्ति से सम्यक प्रकार से समझ लेता है और उसे अच्छे ढंग से सीख भी लेता है, यह किस वाद में होता है? ए प्रगतिवाद में, ब प्रयोजनवाद में, स गेस्टाल्टवाद में, द क्षणिकवाद में? इसका सही उत्तर है स गेस्टाल्टवाद में। शूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? ए रचनात्मकता के लिए उपादेय, ब कल्पना में वृद्धि, स कठिन विषयों में उपयोगी, द उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग किया है, ए चूहों व कबूतरों पर, ब कुत्तों पर, श मटर पर, द गाय पर? तो इसका सही उत्तर होगा चूहों व कबूतरों पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत या संभावित अनुक्रिया होती है, ऐसे समय क्रिया प्रसूतता की शक्ति बढ़ जाती है, यह कथन है ए वोटसन का, ब रोश का, स एम एल बिगी का, द जेम्स का? तो इसका सही उत्तर होगा स एम एल बिगी का। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए थोरनडाइक, ब वॉटसन, श सुकरात, द प्लेटो? तो सही उत्तर है ए थोरनडाइक ने। रूसो ने अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की है? आध्यात्मिक आधार पर, दार्शनिक, प्राकृतिक या कृत्रिम? सही उत्तर होगा ब दार्शनिक आधार पर। थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्ण व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता, यह कथन है ड्राइवर का, ब बोरिंग का, स सिम्पसन का, द बिल्ड का? सही उत्तर होगा ए ड्राइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के अंतराल के साथ ही बालक अधिगम की हुई बात को भूल जाता है तो किस सिद्धांत का प्रयोग अपेक्षित है? व्यतिकरण का सिद्धांत, ब चिन्हास सिद्धांत, स अवसाद उत्पन्न करें, द अनुबंध का सिद्धांत? तो इसका सही उत्तर है ए व्यतिकरण का सिद्धांत। यदि किसी पाठ को विस्मृत कर देता है तो शिक्षक को चाहिए ए विषय वस्तु को रोचक बनाए,
वह क्रोध करे, शय अवसाद उत्पन्न करे, दय पश्चाताप करे। सही उत्तर होगा है विषय वस्तु को और अधिक रोचक बनाए। विस्मृति कम करने के उपाय हैं, ए अधिक समय तक स्मरण रखने का प्रयत्न, वह पूरे पाठ का स्मरण, शय अधिक ध्यान दें वह शय स्वर वाचन, दय उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा दय उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है? यह मत है वैलेंटाइन का, रोश का, रायबर्न का या वुडवर्थ का? तो इसका सही उत्तर है वह रोश का। पुनर्बलन सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से, व्यवसाय से, खेल से या पुस्तक से? सही उत्तर होगा ए अधिगम से। शिक्षक को कक्षागत व्यवहार को सम्यक बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ए सहायक सामग्री का, बे अधिगम की उत्कृष्टता का, स छात्र क्षमता का, द उपयुक्त सभी का? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। लैमार्क हैं दार्शनिक, धार्मिक, अध्यात्मवादी या विकासवादी? तो लामार्क का विकासवाद का सिद्धांत है, इसलिए ये विकासवादी हैं। तो उत्तर सही होगा द विकासवादी। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान के किस वाद से संबंध रखते हैं? क्षणिकवाद, व्यवहारवाद, सत्कार्यवाद, मानवतावाद? तो बे होगा इसका सही, व्यवहारवाद, स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित है। प्रशंसा निंदा पुरस्कार किस प्रेरणा के साधन है? आंतरिक, बाह्य, राजनीतिक या आध्यात्मिक? सही उत्तर होगा बे बाह्य। जेएम रॉयस किस परीक्षण से संबंधित है? मौखिक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण या मनन परीक्षण? सही उत्तर होगा बे वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट परीक्षण है, भूख चालक है तो भोजन है उद्दीपन, स्थायी भाव, संचारी भाव या संवेग? सही उत्तर होगा ए भूख उस समय उद्दीपन होगी। प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती हैं, यह मत किसका है? सिंपसन का, स्किनर का, रोज का या लोक का? सही उत्तर है सिंपसन का। जन्मजात प्रेरक निम्न में से हैं? भूख, प्यास, निद्रा या सभी? तो ये सभी जो है उत्तर दे सही होगा, ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं। काम एक चालक है तो उद्दीपन है, विषमलिंगी, संतोष, कार्य या शिक्षक? तो सही उत्तर होगा है विषमलिंगी। अंतर्दृष्टि का प्रतिपादक है टॉलमैन, बे मैक्स वर्दाइमर, से आसुबेल, दे स्किनर? सही उत्तर है बे मैक्स वर्दाइमर। मानसिक आयु हमें अपनी किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है, यह कथन किसका है? ए गनमैन का, बे बर्कले का, से गेट्स का, द टर्मन का? तो सही उत्तर होगा से गेट्स का। प्रमापित परीक्षण किस युग की देन है? आधुनिक युग की, वै वैदिक युग की, स मध्ययुग की, द द्वापर युग की? तो सही उत्तर होगा प्रमापित परीक्षण आधुनिक युग की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडलर डेल का सिद्धांत है अनुभव चक्र, अनुभव शंकु, अनुभव चक्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा वै अनुभव शंकु। किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है? ए ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने, बे प्रेगी रॉबिन्सन हॉरक्स ने, से वर्दाइमर कोपा कोलर ने, दे क्रोएंड क्रो ने? तो सही उत्तर होगा से वर्दाइमर कोपा और कोलर ने। आज का अंतिम प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए स्किनर ने, बे ब्लूम ने, सहल ने, द जीन पियाजे ने? तो सही उत्तर होगा बे ब्लूम ने। आज के इस पार्ट 4 के अंतर्गत
इतना ही रखते हैं। इसके पार्ट फिफ्थ में हम इसके शेष बचे हुए नेक्स्ट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप हमसे नियमित रूप से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। नमस्कार।